मैं नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग से DIY, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है और बिगनर फ्रेंडली है। तो उम्मीद करूँगी कि आप इसे, आपको बहुत ही इजी है और जैसे कि आपको इसमें ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है और आप उससे काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने गार्डन को, अपने बालकनी एरिया को आप डेकोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बिगनर फ्रेंडली लेके आई हूँ कुछ DIY, जो कि जिससे कुछ भी, मतलब पेंटिंग या डेकोर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो वो भी उससे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो गाइज, इसमें आपको मैं 3-4 DIY बताई हुई हूँ, तो आपको उम्मीद करूँगी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज, अगर आप में से कोई भी मेरे इस वीडियो से कुछ भी वीडियो बनाते हैं या आप कोई DIY से बनाते हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे आप अपने शेयर कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे हार्डवर्क को अप्रिसिएट कीजिए। आप लोग के लिए मैं काफ़ी हार्डवर्क करती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे DIY लेके आई हूँ, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये मनी प्लांट है और इसमें थोड़ा सा पर्पल हार्ट है और ये एक प्लास्टिक बॉल में मैंने लगाया हुआ था और यहाँ इसको हम डेकोर करेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैंने गिल्टर शीट लिया है जिसे मैंने स्टार शेप में कट कर दिया है, तो आप कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद आए। तो बस आपको सिंपल सा इसे क्या करना है, इसमें पेस्ट कर देना है, चिपका देना है और बहुत ही ईजी DIY है ये। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है और जो बिगनर है उनके लिए तो ये काफ़ी ईजी DIY है। तो इसीलिए मैंने इस DIY को बताया जिससे कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में और बहुत ही आसानी से बन जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। बस देखिए, सिंपल सा आपको बस एक स्टार कट करना है और पेस्ट करना है, बस इतना सही करना है। अब मैं आपको इसको पूरा व्यू दिखा दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा, आप एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर आप पेंटिंग करना चाहें तो पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा हमारा ये फर्स्ट DIY हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप बताइएगा आपको ये DIY पहला कैसा लगा आपको। तो ये हमारा पहला DIY है गाइस, तो आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड DIY बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कांच का बॉटल लिया हुआ है और इसमें डेविल बैकबोन का प्लांट लगाया है। तो ये वाटर प्लांट है और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाइट कोट कर देंगे प्लास्टिक बॉटल को, जिससे कि क्या हो ना, कलर हमारा जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो गया है। वैसे मैं इसे वाइट कलर पे ही रहने दूंगी। ये भी बहुत ही ईजी DIY है। और यहाँ पे मैंने एक स्टिकर लिया हुआ है, इसके पहले भी आपने मेरा स्टिकर DIY देखा हुआ है काफ़ी सारे, तो इसमें भी मैं जस्ट सिंपल ये स्टिकर ली हुई हूँ और इसे इसमें पेस्ट कर दी हूँ। आपको ये स्टिकर जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल मतलब छोटे मार्केट में भी आपको कहीं पर भी ये मिल जाएगा आसानी से। तो आपको बस इसे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था गाइस। एंड देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, थोड़ा सा कलर ऐड कर दूँगी जिससे कि ये जो हमारा लुक है ये काफ़ी हाईलाइट हो के आए। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू कलर। ब्लू कलर से मैं पूरे बॉटल में जो है डॉट डॉट बना दूँगी और इससे बहुत ही हाईलाइट हो के आ रहा है हमारा ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये काफ़ी हाईलाइट होगा इससे। और इसका जो ऊपर का है, ऊपर की तरफ मैं इसमें ब्लू कलर से थोड़ा सा पेंट कर दूंगी और हाईलाइट करने के लिए उसे। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से ऊपर के बॉर्डर पे कलर फिल कर दिया है और आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बहुत ही ईजी भी है और बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको भी आपको सेट करके दिखा दी हूँ कि ये किस तरीके से लुक आ रहा है इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, ये DIY मेरा फेवरेट हो गया था क्योंकि ये मुझे बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा DIY लगा। तो आप बताइएगा आपको ये DIY कैसा लगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये पॉट लिया है, ब्लैक कलर का पॉट है और इस पे मैंने एस्परगस का प्लांट लगाया हुआ है। तो अब इसे सबसे पहले हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर का पेंट ली हुई हूँ, मैं उसी से ही इसको पूरा पेंट कर दूँगी वाइट कलर से। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा, मतलब इजी DIY, मैं आज जितने भी DIY बताऊँगी गाइस सारे इजी और बिगनर्स के लिए DIY बताऊँगी, जो कि इजी है काफ़ी और अच्छा भी है। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर से मैंने इसको कोटिंग कर दी है और हमारा है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं पिंक कलर से जो है पेंट कर दे रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं इस पे एक स्पॉन्ज ले ली हूँ, स्पॉन्ज की हेल्प से पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्पॉन्ज की हेल्प से क्या होता है ना, बहुत ही ईजी हो जाता है पेंटिंग करना। और जब ये हमारा ड्राई हो जाए तो आपको इस पे मैंने यहाँ पे सिर्फ येलो कलर से एक डॉट डॉट छोटा सा बना दिया है, सिंपल और बहुत ही ईजी दिया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से आपने जो पॉट है उसको हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी कलर से कलर कर दीजिए, और उसको हाईलाइट करने के लिए आप उसमें कुछ भी डिज़ाइन डाल दीजिए। आपको कुछ एग्जांपल जैसे बताऊँ, डॉट डाल दीजिए, हार्ट बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, या कुछ भी आप बना सकते हो, पत्ती वगैरह बना दीजिए, जो कि काफ़ी ईजी है और सिंपल है। तो मैं कुछ इसी तरीके से इस पूरे पॉट में डॉट बना रही, वैसे मैं इसमें लीफ बनाने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अभी इसमें डॉट बनाती हूँ नेक्स्ट DIY में, आपको मैं उस तरीके से बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये DIY हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने कुछ स्टोन लगा दिए हैं और पेंटिंग किया हुआ स्टोन है। तो इस पर भी वीडियो मेरा है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो मेरा। अब बढ़ते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है ये पॉट और ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट, काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट तो पूरा नीचे तक फैला हुआ था, इसलिए मैं इसको ऊपर से टाई कर दी हूँ, जिससे कि कलर जो है पत्तियों पे ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट कोटिंग कर दी है और ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर से इसको स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट करना स्टार्ट कर दी हूँ। और आपको मैंने लाइट लिया हुआ है, आप डार्क कलर से भी कर सकते हो या आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो, तो उस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने येलो कलर किया है ये काफ़ी लाइट हो चुका है, तो इस पे मैं दो कोटिंग की हुई हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा, पतला मत बनाइएगा कलर, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर लिया हुआ है और इसमें बटरफ्लाई बना है, आप कोई भी डिज़ाइन का स्टिकर ले सकते हैं गाइज। तो ये बटरफ्लाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और गार्डन में एक नेचुरल लुक देने वाला था, मुझे बटरफ्लाई का पिक्चर बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन में, और जैसे रियल आ जाते हैं रियल बटरफ्लाई, उस टाइप का एक फील आने लगता है इसको लगाने से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा आ रहा था इसका भी लुक, आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये देखिए अभी जैसे लग रहा है कि रियल बटरफ्लाई आके चिपक गया है वहाँ पर। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो बहुत ही इजी भी है, तो मैं कुछ इसीलिए इसको लगा दी जिससे कि आप लोग को भी आसानी हो जाए और आपका गार्डन भी सज जाए। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का पेंट लेके क्या करूँगी, थोड़ा सा साइड बॉर्डर बना दूँगी, आप बना सकते हो, नहीं तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं रखना है तो कुछ भी मत रखो, या फिर आप डॉट डॉट बना दो तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से बॉर्डर बना दी हूँ, ऊपर की तरफ भी बना दूँगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बना दूँगी, तो एक अलग हाईलाइट हो जा रहा है और अच्छे से। और इसके बाद मैं ऊपर कलर सूख जाएगा तो उस पर मैं ऊपर का जो प्लांट है उसको रस्सी खोल दूँगी, जिससे अब फाइनल लुक आपको मैं इसका दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हो, घर के अंदर भी आप इसको रख सकते हो। यहाँ पे जितने भी मैं प्लांट्स भी दिखाई हूँ ये सारे इंडोर प्लांट हैं, तो इसलिए इसे मैं घर के अंदर प्लेस करूँगी। तो आप भी कुछ इस तरीके से सजा के घर के अंदर प्लेस कर सकते हो या बाहर रख सकते हो। तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। सो गाइस, तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा गाइस तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है हम लोगों को, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए पूरा और कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।